हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की पोयम द रोड नॉट टेकन। और ये जो पोयम है, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। तो देखिए, डाइवर्ज होने का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। येलो वुड का मतलब है पीले रंगों वाले पत्तों का जो जंगल होता है उसके लिए यूज़ किया गया है। और अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ वगैरह जो उग जाती है ना, उसको अंडरग्रोथ हम बोलते हैं। तो देखिए, जो ऑथर है ना, वो एक जंगल के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं और उस जंगल के अंदर जाने के लिए दो रोड्स हैं। टू रोड सेपरेट इन अ येलो फॉरेस्ट, मतलब दो जो रोड्स हैं वो येलो फॉरेस्ट में जा कर के सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। पोएट जो हैं वो इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि वो दोनों की दोनों रोड्स पे जो हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, वो किसी एक ही रोड पर जा सकते हैं। वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो नीचे की तरफ देखते हैं एक रोड की तरफ, और मतलब काफ़ी ध्यान से वो सोच रहे होते हैं, उस रोड की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जो रोड है उस पर अंडरग्रोथ है, मतलब उसमें जो वाइल्ड बुशेस, जंगली झाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं उन दोनों ही रोड्स पर। और वो ध्यान से सोच रहे होते हैं वो किस रोड से आगे की तरफ जो है वो ट्रेवल करें। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर वो देखते हैं कि एक जो रास्ता है उस पर जो होती है वो घास काफ़ी ज़्यादा होती है और एक पर शायद थोड़ी सी कम होती है। एक रास्ते पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया होता है जिसकी घास दबी हुई सी होती है, और एक रास्ते पर कम लोगों ने ट्रैवल किया होता है। क्लेम का मतलब होता है अधिकार, वियर का मतलब होता है घिस जाना, अबाउट द सेम मतलब इक्वली, एक ही समान रूप से आप कह सकते हैं। फिर जो ऑथर हैं वो सोच रहे होते हैं कौन सी रोड लें, एक रोड पे ज़्यादा लोग चले हुए थे और एक रोड पे कम थे, तो ऑथर ने सोचा जिस रोड पे कम लोग चले हैं द रोड नॉट टेकन, मतलब जिस रोड पे कम लोग चले हुए हैं उस पे उन्होंने चलने का जो है वो फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा जो दूसरी रोड थी वो सुंदर भी थी और वो सोचते हैं कि शायद इस रोड पर मेरा ज़्यादा हक है क्योंकि इसकी जो घास है वो काफ़ी हरी भरी सी है और काफ़ी कम ये घिसी हुई भी है। और मगर अगर चलने का ही प्रश्न आता है तो इस रोड पर भी काफ़ी लोग चले हुए थे, मगर फिर भी ये जो रोड है वो हरी भरी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, और दो रोड के कंपैरिजन में जिस रोड पर ऑथर ने जाने का सोचा वो कम लोग उस पर चले थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो देखिए, ट्रॉडन का मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं। ट्रॉडन का मतलब होता है क्रश्ड, कुचला हुआ। अनदर डे के बारे में अगर यहाँ पे बात करी जा रही है तो ये एक अनदर बर्थ के बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑथर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार अगर उन्होंने एक रोड ले ली तो शायद वो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे दूसरी रोड पर चलने के लिए। तो उस सुबह जब ये ऑथर सोच रहे थे, दोनों ही जो सड़कें थीं वो समान बिल्कुल एक तरह रूप से जो है वो पत्तों से ढकी हुई थी। एक रोड थी जिसपे जो पत्ते थे वो कुछ कुचले हुए नहीं थे, और एक रोड पे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुचले हुए से पत्ते पड़े हुए हैं। फिर तो पहली सड़क जो है वो उन्होंने दूसरे दिन के लिए जो है वो रख ली थी, वो दूसरी सड़क पे चलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस पे काफ़ी कम लोग चले थे और जो रास्ता जो दूसरा था उस पे मतलब उनको अच्छा सा वो थोड़ा देखने के लिए लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि मैं इसको ओन करता हूँ और यही रास्ता मेरे लिए सही है। मगर उनको ये भी संदेह हो रहा था, मतलब ये भी डाउट में थे वो कि शायद इस रोड पर, जिस रोड पर वो नहीं चल रहे हैं उस रोड पर वो कभी वापस भी नहीं आ पाएंगे, वो ऐसा भी सोच रहे थे। तो आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ लेना, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई
आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। फिर देखिए साई का मतलब डीप ब्रेथ होता है, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड्स, बहुत ही लंबे समय तक। तो फिर वो कहते हैं अब से काफ़ी युगों के बाद भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो जंगल है ये दो सड़कों के से अलग अलग होता है, और जो भी मेरी ज़िंदगी में जो अंतर आया है वो इसी वजह से आया है, जो रोड मैंने अपने लिए चुनी थी वो कम लोग चुनते थे, और यही जो डिफरेंस आया है मेरी ज़िंदगी में वो इसी रोड को चुनने की वजह से आया है। ऑल दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तो क्या है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने कौन सी रोड चुनी थी जिस पे कम लोग चले थे, और उसी ने ही मेरी ज़िंदगी में सारा का सारा डिफरेंस जो है वो लेकर के आई है। तो देखिए इस पोयम का जो सेंस है वो ये कहता है, मतलब रोड नॉट टेकन, हम भीड़ की तरफ चलते जाते हैं, जो सारे लोग कर रहे हैं वही हम करने की सोचते हैं या वही करने की हमें सलाह दी जाती है। फिर अगर एक व्यक्ति जब भी कोई अपने लाइफ के डिसीज़न ले रहा होता है तो उसके पास प्रोफेशन हो या लाइफ के डिसीज़न कोई भी हो, एक अल्टरनेटिव नहीं होता है, हमेशा कई रास्ते होते हैं। हम लोगों को बहुत सोच समझ करके चुनना होता है कि हम कहाँ पर चलें, ज़रूरी नहीं है उसी रास्ते पर चला जाए जिस पर सब चल रहे हैं। रोड नॉट टेकन या फिर रोड लेस टेकन, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपकी हर चीज़ में आप अपने दिल की सुन करके काम करेंगे तो शायद वो आपकी लाइफ में आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ऑथर भी लास्ट में कहते हैं कि जो उन्होंने रोड लेस टेकन या फिर रोड नॉट टेकन जो उन्होंने चुनी थी वो उनकी लाइफ में उसने ही सारा का सारा डिफरेंस बनाया था। नॉट टेकन जो उन्होंने नहीं ली रोड और जो इस राह पे वो चले उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में सारा जो है अंतर वो आया था। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।